कोई ऐसा मैच हो जाए इंडिया पाकिस्तान जैसा, जिसमें आखिरी बॉल तक मैच जाए, पहली टीम बल्लेबाजी करते हुए 120 बना दे, अभी मजे ही मजे, बुमराह हार्दिक फॉर्म में आके विकेट ले ले, मजे ही मजे, आखिरी गेंद तक मैच जाए, मजे मजे, और विनिंग जो है इतनी जबरदस्त मिल जाए इंडिया पाकिस्तान के मैच में। और ज्यादा सरप्राइजिंग ये बात है कि इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच में इतनी जबरदस्त विनिंग मिल जाए, और इसी की बात हम करने वाले हैं द स्पोर्ट्स बाजी शो पर। मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ हैं अभी मेरे दिमाग से भूत नहीं उतर रहा इंडिया पाकिस्तान मैच का, मतलब अभी तक वो चीज दिमाग से नहीं जा रही। इससे बढ़िया मैच साल 2024 विटनेस नहीं कर सकता, आने वाले टाइम में भी, अगले साल की मैं बात नहीं कह सकता, पर लेकिन इससे बढ़िया विनिंग जो है, हमने तो अभी यहाँ पे सबसे बेस्ट विनिंग अपनी विटनेस करी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, आने वाले टाइम में और हो जाएंगे अगर हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार बरकरार रहे और बने रहे। एकदम सही बात कही है ऋतिक भाई ने, जिस तरह से हमारी प्रेडिक्शन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की जो जितनी प्रेडिक्शंस दी हैं सारी ठीक गई थी, जिसमें हमने इंडिया को विनिंग टीम दिया था, साथ ही साथ ऋतिक भाई ने एक प्रेडिक्शन दी थी रोहित शर्मा टू स्कोर लेस देन 25 रन्स, वो भी सही प्रूफ हुई, और एक प्रेडिक्शन जो लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने बताया था एनी बॉलर टू टेक 3 or more विकेट्स, उसमें तो दोनों टीम से, उधर से नसीम शाह इधर से जसप्रीत बुमराह, उन्होंने हमारी प्रेडिक्शंस को बिल्कुल सही साबित किया। और साथ ही साथ हमारे जो स्पोर्ट्स बाजी के यूजर्स हैं उन्होंने कल की प्रेडिक्शन से अच्छी खासी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करी होगी और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में ही बना लिया होगा। साथ ही साथ आपको हमारे स्क्रीन के नीचे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की विनिंग्स दिख ही रही होंगी। तो ऋतिक भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भूत तो अभी तक नहीं उतर रहा, तो अब कौन से मैच की बात करने वाले हैं हम भाई? भूत उतारने के लिए मैं बात करने वाला हूँ फिर से पाकिस्तान के मैच की, जो अगला है उनके खिलाफ कनाडा के साथ, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा T20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 21। कनाडा मुझे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है पाकिस्तान से, ऑल्दो कनाडा और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ एक ही मुकाबला हुआ है, पाकिस्तान ने जीता हेड टू हेड के मामले में, पर लेकिन कनाडा अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही है और पाकिस्तान अपने दोनों के दोनों मुकाबले हार के आ रही है। पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल जमीन पे लगा हुआ है, उधर कनाडा ने जो यूएसए से मैच हारा है वो भी ऋतिक भाई बहुत ही अच्छा फाइट देके हारा है, और जो आयरलैंड टीम को हराया है टेस्ट प्लेइंग नेशन को, उनका कॉन्फिडेंस अभी हाई पे होगा। तो हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और कनाडा के मैच के बारे में। तो अभी मार्केट्स में ले जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच ऐसा था कि मैं मार्केट में बिल्कुल भी घूमने नहीं जा पाया बाद में रात को, तो अब मार्केट्स ऑफ द डे में अपने दर्शकों को ले चलते हैं। तो आज क्या है, क्या सवाल है, क्या कॉन्टेस्ट है? हमारे सारे दर्शक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में मार्केट्स में ही घूम रहे थे, स्पोर्ट्स बाजी के मार्केट में। तो हम चलते हैं मार्केट्स ऑफ द डे में, जो पाकिस्तान और कनाडा के बीच खेला जाएगा। तो आइए मार्केट्स ऑफ द डे के सफर में मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो चलते हैं मार्केट्स ऑफ द डे में, जहां पर आपको प्रेडिक्टर सेक्शन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, पाकिस्तान विल विन द T20 मैच अगेंस्ट कनाडा। ऋतिक भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? जीत जाएगी पाकिस्तान, यूएसए हार गई, अच्छा क्रिकेट नहीं खेली, भारत से तो खैर हार ही जाना था, भारत से हारना कोई उनके लिए नई बात नहीं और बड़ी बात नहीं, इंडिया मच बेटर टीम है पाकिस्तान से इस समय, कॉन्फिडेंस में भी और ऑन पेपर भी। तो पाकिस्तान कनाडा के खिलाफ तो जीत जाएगी, ऑल्दो कनाडा आयरलैंड के खिलाफ जीत के आई है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर आप इवन हेड टू हेड देखो तो पाकिस्तान और कनाडा के बीच में एक ही मैच हुआ और एक ही पाकिस्तान ने जीत रखा है, तो पाकिस्तान के ऊपर मैं दाव खेल दूंगा, फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कनाडा से अगर आप ओवरऑल डिपार्टमेंट के बारे में बात करो। और तो क्या हो गया, दो मैच हार के आई, पर पाकिस्तान हरा देगी कनाडा को, मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस यही कहता है, तो मैं यस कर दूंगा पाकिस्तान पे। ऋतिक भाई का दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस यही कहता है, मैं ऋतिक भाई के साथ सहमत हूँ, मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करने जा रहा हूँ। लेकिन एक खास बात, पाकिस्तान मानी जाती है चौकर साउथ अफ्रीका के बाद, तो मैं अभी बिल्कुल कनाडा को हल्के में नहीं ले रहा हूँ। मैं अपने यूजर्स को बता दूं कि वो अपना रेट जो सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मानी जाती है कि बीच में चोक कर सकती है, उन्होंने किया भी अभी यूएसए के अगेंस्ट और इवन कल इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने जीता हुआ मैच इंडिया को गिफ्ट किया है, इंडिया ने छीना है जसप्रीत बुमराह ने बेसिकली। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है सामने, मैं इन्वेस्टमेंट रेट 5 पे सेट कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान की टीम कहीं फ्लक्चुएट करती है आपके कॉन्टेस्ट बिल्कुल मैच हो जाएंगे, आपको एंट्री मिल जाएगी। मैं यह 100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ ऋतिक भाई, जहाँ सामने मेरे को इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 500 का, जो हमारी नेट विनिंग्स होंगी वो होंगी 500 रुपीज़, मैंने यहाँ स्वाइप कर कॉन्टेस्ट कर लिया है ज्वाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ऋतिक भाई, पाकिस्तान विल स्कोर 39 or more रन्स इन 6 ओवर्स। देखो मेरे हिसाब से अब क्या हुआ था, देखो जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था तो पाकिस्तान ने बॉलिंग चुन ली थी पहले टॉस जीतकर, अब अगर जो पिच का हाल देखें तो पिच का हाल क्या कहता है, अब ये पिच वैसा नहीं रहा श्रीलंका साउथ अफ्रीका वाला, ये पिच वैसा नहीं रहा जो इंडिया आयरलैंड वाला, थोड़ा बदल गया, घास काटी गई है, छीली गई है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पर अगर पहले बैट करती है टीमें तो ज़रूर बना सकती हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में मुश्किल हो जाएगा बल्लेबाजी करना, तो
टॉस करने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अब कंडीशन जो पिच की हाल फिलहाल की। तो आई थिंक पाकिस्तान 6 ओवर में इतने तो बना ही देगी जितना आपने बताया उस क्वेश्चन में। पाकिस्तान पे इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं ना ऋतिक भाई हम लोग, तो बिल्कुल मैं यस पे जाऊंगा, ऋतिक भाई की प्रेडिक्शन के साथ एग्री करूंगा। जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है अब तो 5 ओवर में हमारे लिए तो बना दीजिए 39 रन। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है मैं सेट कर रहा हूँ, 5 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है मैंने सेट किया, जिसमें मैंने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं ट्रस्टिंग मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। मैंने यहाँ 150 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हैं और यहाँ स्वाइप कर दिया, जहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट 750 का है। जो मेरी विनिंग्स भी हैं वो अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीतता हूँ तो नेट विनिंग 750 होंगी, टोटल हो जाएगा 1500 रुपीज का। मैंने यहाँ कॉन्टेस्ट स्वाइप कर लिया और एंट्री ले ली है। चलते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो है एनी प्लेयर विल टेक 3 or more wickets। अब तक हमने जितनी भी प्रेडिक्शन दी है इस क्वेश्चन की ऋतिक भाई, एनी प्लेयर टू टेक 3 or more wickets सारी सही गई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार भी सही जाएगी मेरे हिसाब से, इस पे यस कर देना चाहिए। मैं इस पे आंख बंद करके यस कर देता हूँ। मैंने दिल दिमाग डेटा का यूज किया है इसमें, जिसमें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और कनाडा की तरफ से भी आकिब इलियास, इनका जो हेड टू हेड परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार रहा है। पिछले T20 मैच जो इन दोनों टीम के बीच खेला गया था उसमें इन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। तो मैं यस जा रहा हूँ, यस के साथ मैं यहाँ पर ऋतिक भाई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ, 500 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और मेरे सामने जो इन्वेस्टमेंट है वो है 2500 की, और अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीतता हूँ तो ऋतिक भाई मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 5000 रुपीज। ट्रस्टिंग पाकिस्तानी बॉलर्स एंड इवन कनाडा बॉलर्स, क्योंकि पाकिस्तान जानी जाती है चोक करने के लिए। तो यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिए हैं कॉन्टेस्ट और यहाँ मैं स्वाइप कर दिया है। होपफुली कोई ना कोई दोनों टीम में से एक बॉलर तो 3 or more wickets ले ही लेगा। बिल्कुल। तो ये थी मार्केट ऑफ द डे, जहाँ पर मैंने आपको सारी प्रेडिक्शन, सारे इवेंट्स जिसमें आपको कॉन्टेस्ट सेटल करने हैं वो मैंने आपको बताए। तो चलते हैं अब आज के बाजीगर की तरफ। कौन से 11 बाजीगर होंगे ऋतिक भाई जो हमारी टीम को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं? यू मीन क्लासिक फैंटेसी टीम? तो पाकिस्तान वर्सेस कनाडा मैच की, मैच नंबर 21 की क्लासिक फैंटेसी टीम क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। यानी 22 खिलाड़ी तो मैदान पे उतरेंगे, उनमें से 11 जो क्लासिक फैंटेसी टीम में हमारी शामिल होंगे वो कौन होंगे मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। विकेट कीपर्स में मोहम्मद रिजवान, बैटर्स में बाबर आजम और निकोलस कीटन, ऑलराउंडर्स में हिलिंगर और शादाब खान, बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और हैरिस रऊफ, जेरेमी गॉर्डन और कलीम सना। इस टीम में हमारे कैप्टन रहेंगे शाहीन शाह अफरीदी और वाइस कैप्टन रहेंगे नसीम शाह। पर ये जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है ना, और सामने बल्कि कनाडा है, तो मेरे को लगता है मैं इनके स्टॉक्स में ना लॉन्ग पे इन्वेस्ट करूंगा दोनों के ही। तो ऋतिक भाई आपने जो फैंटेसी की टीम बनाई है उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन जो बनाया आप साथ ही कह रहे हैं स्टॉक को भी बैक कर रहे हैं लॉन्ग लेने में, मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस बैटरी है, जिस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, शुरू में वो 2 ओवर करते हैं और आखिर में 2 ओवर करते हैं, तो वो हमारे स्टॉक को हाई राइज दे सकते हैं। साथ ही साथ जो आपने दूसरा पिक किया है नसीम शाह, इंडिया के खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है, अगर वो इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो कनाडा के अगेंस्ट उनका स्टॉक बैक किया ही जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। एक स्टॉक जो मैंने शॉर्ट में लेने की सोच रहा हूँ वो है नवनीत धालीवाल। वही ना जो जिन्होंने यूएस के खिलाफ 61 रन की पारी खेली थी। नवनीत धालीवाल का स्टॉक जो मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने उनका स्टॉक शॉर्ट में लिया था, मुझे लग रहा था कि वो इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एक बार चल गए तो चल गए, जो उनका स्टॉक प्राइस है उतने पॉइंट्स वो हमें नहीं दे पाएंगे सामने, क्योंकि उनके पाकिस्तान के पेसर्स शाहीन शाह, नसीम, आमिर जैसे क्वालिटी पेसर्स होंगे। हारिस तक तो बारी नहीं आएगी, तब तक वो आउट ही हो जाएंगे जो मेरी प्रेडिक्शन है। आने वाले उनके तो इसलिए मैंने नवनीत धालीवाल का स्टॉक शॉर्ट में लिया है। तो ऋतिक भाई एग्री करते हैं मेरे पॉइंट यार। एक और हाँ जी का मैं स्टॉक पिक करना चाहूंगा जी, वो है जेरेमी गॉर्डन, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी करी थी, डेथ ओवर्स में भी और मिडिल ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो हो सकता है कि दर्शक उन्हें उनका जो स्टॉक है वो लॉन्ग में पिक कर सकते हैं कनाडा की तरफ से, अगर पिक करना हुआ तो। मैं इस बात से एग्री नहीं करता ऋतिक भाई, क्यों? क्योंकि जेरेमी गॉर्डन ने अच्छी जरूर बॉलिंग की, लेकिन उनको उस टाइम पे लाया जाता है बॉलिंग में जब तक इतने रन बन जाते हैं कि सामने की टीम के पास 25 से 30 रन का टोटल ही रहता है। अगर वो पावर प्ले में बॉलिंग करें तो माना भी जा सकता है, पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते, हेलिंगर बॉलिंग कर रहे हैं आजकल देखा जा रहा है, और सना बॉलिंग कर रहे हैं, तो सना और हेलिंगर की जोड़ी के बाद वो आते हैं, तब तक इतना स्कोर नहीं बनता, शायद इतने हमें पॉइंट्स ना दे पाए। लेकिन आपका दिल दिमाग डाटा कुछ और कहता है, आपकी एनालिसिस कुछ और कहती है, हमारे दर्शकों की एनालिसिस कुछ और कहती होगी, मेरी एनालिसिस कुछ और कह रही है। मैं जेरेमी गॉर्डन का जो स्टॉक है वो शॉर्ट में लेने जा रहा हूँ। मैं ऋतिक भाई के दिल दिमाग डाटा जो उन्होंने लगाया है उनका एनालिसिस अलग हो सकता है, मेरा एनालिसिस अलग हो सकता है, हमारे दर्शक और बाजीगरों का एनालिसिस अलग हो सकता है। तो ऋतिक भाई अब कुछ लेने देने की बात करें। ऐसा क्या लेना देना
यार कुछ तो देना ही पड़ेगा। अच्छा गिव अवे? हाँ जी। मुझे लगा अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो लेन देन की। अच्छा गिव अवे की बात करते हैं, तो अगर हमारे दर्शक बता दे कि पाकिस्तान के चारों पेसर्स जो कि डेंजरस माने जाते हैं, हाँ जी, नसीम शाह, हैरिस रॉफ, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी, ये चारों पेसर्स कुल मिला के यानी टोटल कितनी विकेट ले लेंगे कनाडा के खिलाफ, और ये हमारे जो दर्शक हैं ऑडियंस है कमेंट सेक्शन में बता देंगे, तो ₹500 कैश बोनस प्राइज मिल जाएगा अगर सही नाम के स्पेलिंग के साथ, इनका नाम भी मेंशन करना जरूरी है और उसके बाद इज इक्वल टू में विकेट लिखने भी बहुत जरूरी है टोटल में, तो सही नाम सही डिजिट्स लिखना और 7:30 बजे से पहले, क्योंकि 7:30 बजे टॉस हो जाएगा, 8 बजे मुकाबला स्टार्ट होना है, तो उससे पहले पहले अगर इन्होंने बता दिया तो ₹500 कैश बोनस प्राइज मिल जाएगा अगर सही सही इन्होंने आंकड़ा बताया तो और सही सही स्पेलिंग के साथ। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन अभी बता दो। एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इस गिव अवे के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, साथ में स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड करें, कोड यूज करें TBC200, पाए ₹200 का कैश बोनस और हमारी जो दी हुई प्रेडिक्शंस है क्लासिक फैंटेसी की टीम जो ऋतिक भाई ने दी है उसको यूज करें और साथ ही साथ टीम बनाएं। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको पैरेडी अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, हम चेक कर रहे हैं हमारे यूजर्स में बहुत इंप्रूवमेंट है, 70-80% इंप्रूवमेंट आया है जब से हमने टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं, तो कोई पैरेडी अकाउंट ना बनाए, एक यूजर नेम से एक ही बंदा एक ही बारी में गिव अवे जीत सकता है, यही टर्म्स और कंडीशन आपको फॉलो करनी है और ऋतिक भाई का जो दिया हुआ गिव अवे है उसको जीतने का गोल्डन चांस पाना है। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये चीज हमारे लिए गोल्डन चांस साबित हो सकती है, वो ये क्या है कि ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम को, क्योंकि एंड मिनट अपडेट्स वहां पर जाकर मिलती हैं। बिल्कुल, प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो, पाकिस्तान हार के आ रही है, कुछ बदलाव करे प्लेइंग 11 में, अगर होता है ऐसा कुछ तो आपको टेलीग्राम पर ही वो एंड मिनट अपडेट मिलेगी। उसके अलावा सोशल मीडिया को हमारे फॉलो करना है, क्योंकि वहां पर भी जो हम समराइज डिटेल्स देते हैं वहां पर देते हैं। उसके अलावा जो सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना है ताकि आपको पल पल की अपडेट्स, ये मान लीजिए इस मुकाबले की वीडियो पोस्ट हुई तो वहां पर आपको पता लग जानी चाहिए ना तुरंत ही, आप कहीं भी हो, मेट्रो में जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मिल जाए तुरंत आप दबा दो ऐसे करके, तो यहाँ पर मिल जाएगी। तो चले भाई, बिल्कुल मुझे लग रही भूख, ठीक है, ओके गाइज, बाय बाय, सी यू अगली वीडियो में। Till then, signing off from the Sports Body Show.